दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स का जो मैच 42 है उसका कंप्लीट हाईलाइट वीडियो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स का इस सुपर जीत के लिए इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि इस बार इस मैच का सुपर हीरो कौन है। IPL के 13वें सीजन के 42वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रन से हरा दिया। टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता ने 195 रन का टारगेट दिया, जवाब में दिल्ली 9 विकेट पर 135 रन ही बना सकी। वरुण चक्रवर्ती ने अपने IPL करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया, उन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 5 विकेट लिए। इस जीत के साथ कोलकाता ने प्लेऑफ के लिए अपना दावा और मजबूत कर लिया है। दिल्ली के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर ने सबसे ज़्यादा 47 रन बनाए, इसके अलावा ऋषभ पंत ने 27 रन की पारी खेली। वहीं KKR के लिए वरुण के अलावा पैट कमिंस को 3 और लकी फ्रॉगन्स को 1 विकेट मिला। दिल्ली की शुरुआत खराब रही, अजिंक्य रहाणे इनिंग्स की पहली बॉल पर आउट हुए, उन्हें 0 के निजी स्कोर पर पैट कमिंस ने आउट दिया। इसके बाद शिखर धवन भी कुछ खास नहीं कर सके और 6 रन बनाकर कमिंग्स का दूसरा शिकार बने। ओपनर्स के जल्दी आउट होने के बाद अय्यर और पंत ने पारी को संभाला, दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 63 रन की पार्टनरशिप हुई। खतरनाक होते हुए भी इस पार्टनरशिप को वरुण चक्रवर्ती ने तोड़ा, वरुण ने पंत को 27 रन के निजी स्कोर पर शुभमन गिल के हाथों कैच कराया। इससे पहले नितेश राणा और सुनील नरेन की 50 की बदौलत कोलकाता ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 194 रन बनाए। राणा की यह IPL में 10वीं और नरेन की 4थी 50 है। इसके अलावा यौन मार्गन 17 रन बनाकर आउट हुए। वहीं दिल्ली के एंड्रिस नोतर्जे, कगिसो रवाडा और मार्क्स स्टोइनिस्ट को 2-2 विकेट मिले। कोलकाता के लिए नितेश राणा ने सुमन गिल के साथ ओपन किया, गिल सिर्फ 9 रन की बना सके और एंड्रिस नोतर्जे के वॉल पर अक्षर पटेल के कैच दे बैठे। इसके बाद राहुल त्रिपाठी को वोल्ड की नोतर्जे पवेलियन का रास्ता दिखाया। कोलकाता ने पावर प्ले में 2 विकेट पर 36 रन बनाए। इसके बाद दिनेश कार्तिक सिर्फ 3 रन ही बना सके और कगिसो रवाडा के बॉल पर आउट हुए। 3 विकेट जल्दी गंवाने के बाद नितेश राणा और सुनील नरेन ने पारी को संभाला, दोनों संभल कर खेलते हुए खराब बॉल पर चौके छक्के लगाए। दोनों ने भी 4थे विकेट के लिए 115 रन की पार्टनरशिप हुई। दिल्ली और कोलकाता की टीम में 2-2 बदलाव किए गए, पृथ्वी शाह और डेनियल सैम्स को जगह अजिंक्य रहाणे और एंड्रिस नोतर्जे को प्लेइंग 11 में शामिल किया गया। वहीं कोलकाता में कुलदीप यादव और टॉम वेंटन की जगह सुनील नरेन और कमलेश नागरकोटी को भी टीम में जगह मिली। दोस्तों आज की मैच हाईलाइट के लिए इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा और वीडियो में कमेंट जरूर करिए कि इस बार IPL का खिताब कौन जीत रहा है।